हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में अपने फेवरेट हेयर स्टाइल्स आपको बताने वाली हूँ। एंड आप ये हेयर स्टाइल्स इंडियन वेयर या वेस्टर्न वेयर भी कर सकते हो, जींस टॉप एंड कुर्ती एंड ऑल। सो ये सारी ड्रेसेस पे आपको सूट हो जाएगी हेयर स्टाइल्स। एंड या आई होप आपको ये हेयर स्टाइल्स पसंद आए। एंड जो मैं हेयर स्टाइल्स आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, वो मैंने ऑलमोस्ट अपने एक दो वीडियोस में कर रखी है। सो या सो लेट्स गेट स्टार्ट। एंड ये जो हेयर स्टाइल भी जो मैंने की है, वो भी एक हेयर स्टाइल ही हो गई, जो सिंपली आपको पार्टीशन कर लेना है। एंड जो आपके फ्लिक्स होते हैं, छोटे फ्लिक्स जो आंखों पे आते हैं, उन्हें सिर्फ आपको इस तरह से लेके आप इधर क्लिप आउट कर लीजिए। एंड ये आपकी सिंपल हेयर स्टाइल हो गई। सो ऐसी बहुत सारी हेयर स्टाइल जो सिंपली आप कर सकते हो। एंड सो गाइज, आई होप आपको अच्छा लगेगा हेयर स्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइज, हेयर स्टाइल करने से पहले हम एक सीरम लगा लेंगे अपने बालों में। इससे आपके बालों में शाइनी एंड सिल्की हो जाएंगे आपके बाल। सो मैं ये यूज करती हूँ फॉर सिल्की एंड शाइनी हेयर स्टाइल। सो इस ट्रीट एंड इट्स अदर हेयर सीरम है ये। इससे आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे एंड हेयर को पॉलिशनेस मिल जाती है, जो आपके बालों को थोड़ा शाइननेस दे पाए। एंड गाइज, आप ये बाय कर सकते हो। सो मुझे कमेंट भी आया था कि सिल्की और शाइनी हेयर स्टाइल, लाइक सिल्की और शाइनी हेयर्स के लिए कुछ बताओ। सो मैंने उसके लिए बनाना वाला रेसिपी शेयर की थी, उससे भी आपके बाल सॉफ्ट और सिल्की होते हैं। बट अगर जनरली आपको कहाँ जल्दी से जाना है, तो हम वो रेसिपी बना के तो नहीं बैठ सकते। सो इट्स लाइक इंस्टेंट शाइनीनेस एंड सॉफ्टनेस, यू कैन यूज दिस। एंड आई ऑल्सो प्रिफर दिस। एंड ये हेयर स्टाइल करने से पहले मैं ये लगा लूंगी, इससे हेयर स्टाइल और अच्छी बनेगी एंड आपके बाल जो है वो भी शाइनी और सॉफ्ट रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम द हेयर स्टाइल्स। सो गाइज, फर्स्ट हेयर स्टाइल में आपको आपके दो पार्टीशन कर लेने हैं। सो मैं यहाँ पर फटाफट से पार्टीशन कर लूंगी। सो इस तरह से आपको पार्टीशन कर लेनी है अपने हेयर्स की। एंड आई थिंक ये लॉन्ग हेयर्स पे नहीं, शॉर्ट हेयर्स पे भी बहुत अच्छी लगेंगी ऐसे हेयर स्टाइल्स। सो या सो इस तरह से आपने पार्टीशन कर ली अपने हेयर्स की। नाउ आपको क्या करना है, सिंपली यहां से थोड़े से इस तरह से बाल लेने हैं। एंड देन आपको क्या करना है, इसको अंदर ट्विस्ट करना है आपको इस तरह से। एंड देन आपको इसको पुश करना है एंड इस तरह से पुश करके आपको इसको क्लिप लगा देनी है इस तरह से। अपने वन साइड कर लिया, नाउ सेम टू द अदर साइड। इस तरह से बाल लेने हैं एंड देन इसको इनर पुश करना है आपको, आउटर नहीं, इन। एंड देन इस तरह से आपको इसको पुश कर लेना है। एंड आप इस तरह की क्लिप्स टिकटॉक यूज कर सकते हो या फिर आप इस तरह की भी पिंस यूज कर सकते हो। एंड या सो हियर इज माय हेयर स्टाइल। आई होप आपको अच्छा लग रहा। सो गाइज, दिस हेयर स्टाइल इज फॉर लॉन्ग हेयर्स। अगर आपके बहुत बड़े बाल हैं एंड आप इस तरह से पिनअप करके जस्ट सिंपली आपके हेयर्स आप ओपन रख सकते हो। सो यू कैन सी माय लेंथ इज दिस एंड या यू कैन सी दिस लुक इज गुड। ओके गाइस, फॉर सेकेंड हेयर स्टाइल आपको सिंपली पार्टीशन कर लेना है एंड आपको इससे कोम की मदद से नहीं, सिर्फ आपके हाथों से करना है। आपने पार्टीशन कर लिया है एंड नाउ आपके थम लेके आपको यहाँ पर स्ट्रेट जाना है एंड जो बाल आपके आए हैं उन्हें आउटर साइड आपको इस तरह से
रोटेट कर लेना है, सो सम लाइक दैट। ओके, इस तरह से, एंड देन जस्ट आपको ये जो आपने बनाया है इसे सिक्योर कर लेना है, एंड सेम फॉर द अनदर साइड। सो आपको थंब की मदद से कुछ इस तरह से, एंड देन आपको जो आपके बाल आए हैं उन्हें आउटर साइड ट्विस्ट कर लेना है। कोम नहीं करना है, इट्स लाइक अ मैसी हेयर स्टाइल इन योर लैंग्वेज, या इस तरह से आपको इसे क्योर कर लेना है, एंड द हेयर स्टाइल इज रेडी। सो ऑलमोस्ट इन माय 3-4 वीडियोस आई हैव डन दिस हेयर स्टाइल। अगर आपने गौर से देखा होगा तो मैं यही हेयर स्टाइल करती हूँ। फिलहाल कुछ अच्छे से बना नहीं है, बट गाइस जब हेयर स्टाइल का भी मूड होते हैं, लाइक जब हम बनाने लगते तब बनती नहीं है, एंड जब सिंपली हम इस तरह से बाल बांध लेते तब अच्छे से हो जाता है। बट या कुछ इस तरह से आपको कर लेना है, सिंपली आपको थंब आपके स्ट्रेट डालने हैं, एंड देन उनको इस तरह से रोटेट करके क्लिप आउट कर देना है। ज्यादा रोटेट नहीं करना है, थोड़ा सा पफी लुक देना है। सो इट्स लाइक अ पफ, डिवाइड कर दिया है हमने, दोनों साइड पफ कर लिया है। सो या दिस इज माय हेयर स्टाइल फॉर लॉन्ग हेयर्स। शॉर्ट हेयर्स में भी बहुत अच्छा लगेगा, एंड या आई एम मोस्टली प्रिफर दिस हेयर स्टाइल व्हेन एवर आई एम गोइंग आउटसाइड या फिर फॉर माई वीडियोज। सो या ओके गाइस, सो द थर्ड हेयर स्टाइल इज सुपर सुपर इजी। आपको सिर्फ आपके बाल इस तरह से डिवाइड कर लेने हैं, एंड देन आपको थोड़े से बाल आपके लेने हैं, एंड जस्ट यहाँ पर आपको क्लिप कर देने हैं आपके हेयर्स। इट्स लाइक अ बेबी हेयर स्टाइल, एंड सिंपली आपको इधर आपके बाल पिन आउट कर लेने हैं कुछ इस तरह से, एंड देन आपको क्या करना है, आपके जो पीछे के बाल है उन्हें आगे लेके आना है, एंड ये जो बाकी के बाल है आपके इन्हें अंदर डाल देना है, कुछ टक इन कर लेना है। सो ये जो मेरे छोटे से ये जो बाल है स्प्लिक्स, इनको मैं अंदर टक इन कर लूंगी, एंड देन जो मेरे बाकी के बाल है जो पीछे के है वो मैं इन्हें आगे ले आऊंगी। सो इनसे क्या होगा, जो आपने पिनअप किया है वो भी हाइड हो जाएगा इनसे, कैन सी, एंड आपके हेयर स्टाइल भी लग जाएगी। सो इट्स लाइक आपके आपके अगर फ्लिक्स जो आपके बालों आंखों में आ रहे हैं तो वो भी हट जाएंगे, एंड योर फेस इज गोइंग टू बी हाईलाइटेड एंड योर हेयर्स। सो दिस इज माय सुपर सुपर इजी हेयर स्टाइल, एंड ये मैंने एक दो वीडियो में भी की है, एंड आई लव दिस हेयर स्टाइल। इट्स लाइक अ क्यूट बेबी हेयर स्टाइल, लाइक क्यूट, लाइक इट्स अ सुपर बेबी हेयर स्टाइल। यू कैन डू दिस एंड यू कैन लुक क्यूट, या सो इट्स सुपर इजी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेयर स्टाइल। ओके, सो द फोर्थ हेयर स्टाइल इज, आपको क्या कर लेना है, आपके वन साइड पार्टीशन कर लेनी है कुछ इस तरह से। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, आपके जो ये बाल है स्मॉल फ्लिक्स, उसको आपको लेके, एंड देन आपको इनको अंदर टक इन कर लेना है कुछ इस तरह से। ओके, एंड सेम गोज टू हियर, आपके जो फ्लिक्स है छोटे या फिर बड़े उन्हें अंदर इस तरह से टक इन कर लेना है। ओके, आप चाहो तो क्लिप्स लगा सकते हो, सो या मैं यहाँ पर क्लिप्स लगा रही हूँ। तो ये जो बाल है आपके आगे नहीं आएंगे, एंड सिंपली आई विल डू विद दिस आल्सो, या सो कुछ इस तरह से आपको क्लिप इन करना है, एंड जो आपके पीछे के बाल हैं उन्हें आगे लेके आना है ताकि जो आपने क्लिपिंग की है वो दिखे ना, लाइक दिस। या सो दिस इज माय हेयर स्टाइल, इट्स लाइक अ सुपर डॉल हेयर स्टाइल, लाइक एक डॉल होती है उसके भी बाल कुछ इस तरह से ही होते हैं, एंड या दिस इज लुकिंग क्यूट। यू कैन सी जो हमने क्लिपिंग की थी वो यहाँ हाइड भी हो चुकी है, एंड आपके जो छोटे बाल है वो आगे भी नहीं आएंगे, एंड सिंपली हेयर स्टाइल की हेयर स्टाइल। सो यू कैन लुक फ्रॉम द बैक,
आपके जो लॉन्ग हेयर है वो और हाईलाइट होके आते हैं कुछ इस हेयर स्टाइल से। सो या दिस हेयर स्टाइल इज गोइंग टू बी सूट फॉर द ऑल द ड्रेसेस विच यू हैव। इट्स लाइक फॉर वन पीस, फॉर इंडियन वेयर, फॉर वेस्टर्न वेयर। या सो आई लव दिस हेयर स्टाइल एंड ये मैंने हेयर स्टाइल एक वीडियो में भी की है। या इससे आपका जो फेस है ना वो बहुत ही खिल के आता है, लाइक योर फेस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी शो। या सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो गाइस द फिफ्थ हेयर स्टाइल इज सुपर इजी, इट्स लाइक अ पफ। सो आपने पफ का नाम बहुत सुना ही होगा। सो आपको सिर्फ क्या करना है, पीछे बाल ले लेने हैं एंड कॉम की मदद से आप जो जितने भी आपको बाल लेने हैं आगे से उतने आप लो। एंड देन आपको क्या करना है, पीछे से आपके बाल जो है वो ट्विस्ट कर लेने हैं। एंड ट्विस्ट करके आपको आपके बाल थोड़े पुश करने हैं, जस्ट लाइक अ पफ एंड टेक अ टिकटॉक पिन, टिकटॉक पिन एंड जस्ट आपको इसे सिक्योर कर लेना है। या एंड सिंपली यू आर रेडी टू गो। As you can see, आपको इस तरह से कुछ पिनअप कर लेना है इसे। एंड या सो गाइस लॉन्ग हेयर के लिए लाइक दिस हेयर स्टाइल आई प्रिफर मोस्ट। सो मेरी एक दो वीडियोज में भी मैंने ऐसे हेयर स्टाइल कर रखी है एंड इट्स सुपर इजी गाइस। यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ पिन्स एंड यू कैन ऑल्सो गो विद दिस स्मॉल क्लेचर्स, मार्केट में आपको बहुत मिल जाएंगे। एंड आप टिकटॉक पिन्स की जगह आप ये क्लेचर्स लगा सकते हो सिंपली हाथ में लेके एंड दिस। सो या इट्स ऑल्सो लुक वेरी कूल एंड या फॉर लॉन्ग हेयर्स या दिस हेयर स्टाइल इज सुपर इजी। ओके गाइज सो द सिक्स्थ हेयर स्टाइल इज आपको क्या करना है, इट्स लाइक अ हेयर बैंड हेयर स्टाइल। With your hair, you can make a hair band. So yeah. So आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ से आपके नीचे के बाल लेने हैं कुछ इस, आप कितनी भी लेंथ ले सकते हो, आपको कितनी लेंथ चाहिए। सो मैं यहाँ से ये एक सेक्शन लूंगी अपने हेयर्स का एंड बाकी के जो हेयर्स है कॉम कर लेंगे एंड इसको भी हम कोम कर लेंगे एंड बाकी के जो बाल है आप वन साइड कर लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए। सो आपको करना क्या है, आपको ये सिर्फ इस तरह से ट्विस्ट करना है, एकदम टाइट ट्विस्ट करना है आपको। सो आई विल क्विकली डू अ ट्विस्ट। ये हेयर स्टाइल आई हैव नॉट ट्राइड टिल ऑन माय वीडियो बट आई विल एंड या सो इस तरह से आपको ट्विस्ट कर लेना है। ओके सो ट्विस्ट हो गया, नाउ पुश योर हेयर्स बैक एंड जस्ट टेक अ कोम एंड पीछे की तरफ आप अपने बाल इस तरह से कोम कर लीजिए। एंड या सो आपको करना क्या है, आपका जो ये हमने रोटेट किया था वो आपको आगे लाना है लाइक अ हेयर बैंड। सो लाइक दिस आपको इस तरह से आगे लेके आना है और यहां से आपको इसको अंदर टक इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्लिप लगा दूंगी, ये पीछे की साइड आना चाहिए आगे नहीं आना चाहिए। एंड आप इसकी मदद से इसे अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। या यू कैन सी इट्स लाइक अ हेयर बैंड एंड आपके जो बाल है वो आगे भी नहीं आएंगे एंड यू कैन डू दिस लाइक दिस।
आई होप ये मेरी सबसे फेवरेट हेयर स्टाइल है एंड आई विल ट्राई ऑन माई वीडियो एंड आई स्टिल नॉट ट्राई दिस एंड आई लव दिस हेयर स्टाइल इज सुपर इजी. आपको सिर्फ यहाँ से आपको ट्विस्ट करना है एंड देन यू कैन सी मैंने यहाँ पर बैक साइड इसको क्योर किया है एंड या इट्स लुकिंग लाइक अ हेयर बैंड. यू कैन सी लाइक आपके पास अगर कोई फ्लावर्स या फिर कोई अच्छी क्लिप्स होगी ना सो आप उन्हें इस तरह से यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो. सो गाइस ऐसा कभी कभी हो जाता है कि लाइक हमें फंक्शन में जाना है एंड वी थिंक लाइक क्या आज हम कोई डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करेंगे बट वो नहीं कर पाते हम नहीं हो नहीं पाता या फिर कर नहीं पाते तो हम फिर वही हेयर स्टाइल पे आ जाते हैं जो हम रोज करते हैं. सो आप वो रोज हेयर स्टाइल कौन सी करते हो वो मुझे कमेंट करके बताना एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आप चाहते हो कि मैं और भी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई करूं या फिर आपको बताऊं सो आई एम विलिंग टू डू इट. सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. आप प्लीज ये मेरी वीडियो सबको शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज एंड Please give this video a thumbs up. See you in my next video. Bye-bye.